हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं कुंतल चक्रवर्ती। CR7 इज बैक। जी हां, क्रिश्चियनो रोनाल्डो फिर से मैदान पर वापस लौट गए हैं और कोपा इटालिया कप का मैच था जुवेंटस बनाम एसी मिलान। जुवेंटस की टीम इस मुकाबले में अपने होम ग्राउंड पर ये मुकाबला वो खेल रहे थे और एसी मिलान का था अवे मैच। ये कोपा इटालिया कप के सेमीफाइनल का दूसरे लेग का मैच था। पहले लेग में ये मुकाबला 1-1 के बराबरी पर खत्म हुई थी, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आखिरी वक्त पर पेनल्टी से गोल किया था और ये दूसरे मुकाबले में मैच या तो ड्रॉ करना था जुवेंटस को या तो मैच जीतना था फाइनल में पहुंचने के लिए, जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैच के 16th मिनट में ही मिस्ड अ पेनल्टी, लेकिन इसके आगे जो हुआ मैच गोललेस खत्म हुई और इसके वजह से मैच दोनों लेग के बाद रिजल्ट रहा 1-1, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट अवे गोल करने की वजह से जुवेंटस की टीम पहुंच गई है फाइनल में। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही रिमेंड ऑफ कलर, पूरे मैच में उतना अच्छा खेल नहीं पाए और इस मैच में क्रोएशिया के जो फुटबॉलर एसी मिलान के तरफ से खेलते हैं एंटी रेबिच, उनको रेड कार्ड मिला था और मैच के लगभग 75 मिनट इस मुकाबले में एसी मिलान की टीम 10 खिलाड़ी से मैच खेला, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कैपिटलाइज नहीं कर पाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरे मैच में ऑफ कलर दिखे, लेकिन इतने दिन के बाद उनका वापसी हो रहा था और कहीं ना कहीं फुटबॉल के जो जानकार, उनका मैच से पहले कहना था कि आसान नहीं होगा। इवन फॉर द लेजेंड्स ऑफ द गेम जो कमबैक कर रहे हैं इतने दिनों के बाद, लॉकडाउन के बाद लगभग 3-3.5 महीना मैच नहीं हुआ इटली में, स्पेन में, इंग्लैंड में, वहाँ जो लेजेंड्स खेलते हैं, जो टॉप फुटबॉलर्स खेलते हैं, उनके लिए भी आसान नहीं होगा, ऐसा ही मानना था फुटबॉल के जानकारों का। और कुछ वैसा ही हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ। आपको बता दूँ, अब लियोनेल मेसी वो भी खेलने वाले हैं। आज देर रात को मुकाबला है, बार्सिलोना के खिलाफ मैच है मायोर्का का और ये मैच अवे मैच है बार्सिलोना के लिए। लियोनेल मेसी मैच से 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस सेशंस में लय में दिखे, उनका 1-2 टच देखकर ऐसा लगा कि लियोनेल मेसी शायद तैयार है इस मुकाबले के लिए, लेकिन देखना ये होगा मैदान पर वो किस तरह का परफॉर्मेंस कर पाते हैं। लॉकडाउन से पहले ला लीगा में लियोनेल मेसी ने 22 मैचों में 19 गोल किया था और बार्सिलोना की टीम आपको बता दूं 27 मैच खेलकर 58 अंक पर है, वही रियल मैड्रिड सिर्फ 2 अंक पीछे है 56 अंक के साथ और चैंपियनशिप का जो रेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक स्थिति पर है, काफ़ी एक्साइटिंग एक स्थिति पर है ला लीगा में। अब देखना ये होगा कि लियोनेल मेसी वो किस तरह का परफॉर्मेंस कर पाते हैं। अवे मैच है आपको बता दूँ, इससे पहले ला लीगा में जो रियल बेतिस और सेविया का मैच था, उसमें सेविया ने 2-0 से रियल बेतिस को हरा दिया। मैच खाली स्टेडियम में होना था, लेकिन इसके बावजूद 200-300 दर्शक स्टेडियम के बाहर पहुंचे थे खिलाड़ियों को देखने के लिए। इंटरेस्ट लेवल ऐसा होगा ही, क्योंकि ला लीगा में टॉप के फुटबॉलर्स, यूरोप के, लैटिन अमेरिका के टॉप के फुटबॉलर्स खेलते हैं। आज देखना ये होगा कि लियोनेल मेसी वो किस तरह के परफॉर्मेंस कर पाते हैं।